जिले के जिला पंचायत सीईओ श्री राम कुमार शर्मा इन दिनों प्रशासनिक गलियारों में काफी चर्चा का विषय बन चुके हैं। उन्होंने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे एक साफ ईमानदार छवि के ऑफिसर हैं, साथ ही एक कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी की छवि के लिए भी जाने जाते हैं। उनके आने के बाद कार्यों में तेजी आई है। हरदा जिले में 3 जनपद पंचायत है, जिसमें हरदा जनपद पंचायत में 29 पंचायतों में शौचालय का कार्य चल रहा है, जिनकी 20 जियोटेक पूर्ण कर लिया है। वहीं खिड़किया जनपद पंचायत में सबसे ज्यादा 95 शौचालय का कार्य जारी है, जिसमें 29 जियोटेक पूर्ण कर लिए गए हैं। बाकी का कार्य भी तेज गति से देखने को मिल रहा है। इसके बाद ग्रामीण बाहर शौच जाने से बच जाएंगे। वहीं सार्वजनिक शौचालय का कार्य भी चल रहा है, जिसमें हरदा जनपद में 60 में से 39 जियोटेग हो चुके हैं। शेष कार्य प्रारंभ है वह खिड़किया जनपद में 67 में से 45 जियोटेग हो चुकी है। शेष का कार्य प्रारंभ है वह टिमरनी जनपद में 59 शौचालय का निर्माण कार्य चल रहा है। जियोटेग 34 पूर्ण हो चुके हैं, बाकी का कार्य प्रारंभ है। देखने में आ रहा है कि जिला सीईओ कार्य के मामले में सजग है। जिले में भ्रमण करना, अधीनस्थ अधिकारियों को कार्य के प्रति सजग करना, उनकी तारीफ उनके कर्मचारी कर रहे हैं। वे आयुक्त के विश्वास पर खरे उतरे हैं। जिला पंचायत सीईओ साहब के द्वारा एवं जो शासन की योजनाएं चल रही हैं, जो शासन द्वारा गरीब जनों को जो योजनाएं दी जाती है उनका लाभ उनके मतलब नियमानुसार पालन करते हुए सभी गरीब व्यक्तियों को योजनाओं का समय सीमा में योजनाओं का लाभ दिया जाता है। हमें समय समय पर आदेश उनके मिलते रहते हैं, जिसके तहत हम उनके आदेशों का पालन करते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे सम्मानित सीईओ सर के मार्गदर्शन में योजनाओं को हम ग्रामीण जनों तक पहुँचा रहे हैं, जिसमें हमको उनका बहुत सहयोग मिल रहा है। सीएससी सेंटर जो बनाया जा रहा है शासन के दिशा निर्देश, वो सीएससी सेंटर का लाभ ग्रामीण जन को मिल रहा है और स्वच्छता की एक अच्छी मिसाल पेश हो रही है। गांव वाले से बढ़ चढ़ के मतलब सहयोग कर रहे हैं और भविष्य में स्वच्छता समूह को उसको चलाने के देंगे, इसको देख रेख भी होगी, उनका आय भी होगी और गाँव में स्वच्छता बनी रहेगी। हमारे जिला पंचायत सीईओ साहब बहुत अच्छे तरीके से नेतृत्व कर रहे हैं, सारे काम मतलब वो समय सीमा पर करवाते हैं और सारे जो निर्देश देते हैं वो समय सीमा पर देते हैं। समय सीमा पर काम नहीं करने से पहले समझाते हैं, समझाने के बाद में अगर कोई नहीं मानता तो नोटिस देकर उससे जवाब तलब करते हैं। बाकी उनका काम सराहनीय है और बहुत अच्छा है, ऐसे में हर जिले में रहें तो अच्छी बात। हरदा से दोपहर न्यूज़ के लिए सुनील मालाकार की रिपोर्ट।